और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हरलीन होगी इतनी पतली, इतनी पतली, बेचारे को अभी कपड़े जाके अल्ट्रेशन के लिए देखे आने पड़े। तो निशा शर्मा ने मेरे से पूछा है, विशाल एस, आप स्टार रुद्र, हरलीन जी आपको वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। जपनूर ब्लॉग, सब कैसे हो? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज की दिन की शुरुआत के साथ मैं बनाऊ सलमान खान। आगे म्यूजिक मेरे को नहीं आता, बस वो कहते म्यूजिक आता था तो मैंने बोल दिया। मैं सलमान खान इसलिए बनाऊ क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ नहाने। आज की मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 5:15 पे, तो अभी मेरे को सारा का सारा सिलेबस हो चुका है रिवाइज। एक है ना मेरी एक्टिविटी थी, तो इसको भी मैंने अभी कर लिया रिवाइज अच्छे से। आज ही एक्टिविटी है, मतलब द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो इसको मैं पढ़ के सुना उसको मैं एक बार। ना भाई, ना नहाने जा, पढ़ के टाइम हो चुका है अभी। सुना दे तूने क्या हैप्पीएस्ट डे। सुनो, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, द डे गो एंड कम इन आवर लाइफ, सम डेज इन लाइफ आर गुड एंड सम आर बैड, हैप्पी डेज आर ऑलवेज मेमोरेबल इन आवर लाइफ, आई हैड अ हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई टर्न 10 इयर्स ओल्ड, माय पेरेंट्स सेलिब्रेटेड माय 10th इयर्स बर्थडे, इन आवर सिख रिलीजन टर्बन इज गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड दैट डे माय पेरेंट्स परफॉर्म द सेरेमनी ऑफ डेकोरेटिंग माय दस्तार, दैट डे वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ बिकॉज अ सिख इज आइडेंटिफाइड बाय हिज टर्बन। बिकॉज अ सिख इज आइडेंटिफाइड बाय हिज टर्बन। हर एक सिख को टर्बन से जानी चाहिए, है ना? Yes. तो जब पुणे भी टर्बन। अभी मैं चाहता हूँ नहाने क्योंकि 7:30 टाइम हो चुका है। हाँ, जल्दी। So guys, अब मैं नहा धोके हो चुका हूँ रेडी, अभी पापा आ चुके हैं। हेलो गाइस, काले आ रहो, काले आ रहो, काले आ रहो, काला हुई हूँ मैं अभी। हेलो गाइस, अब हो गया गोरा मैं? हो गए, वेरी गुड। अब पापा मैं आपको एक बात बतानी है। जो मेरा टॉपिक नहीं आया था, मतलब पैराग्राफ आया था मेरा, वो पता कौन से टॉपिक पे लिखा होगा? स्कूल वालों ने दिया था। हाँ। हमारे बारे में कभी भी नहीं देते, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं तुम्हारे। आप पहले पता सोचो किस टॉपिक पे दिया होगा और जल्दी सोचना। मुझे नहीं पता, मैसेज आया था, मैंने देखा ही नहीं स्कूल वालों। मैं तो कौन सा दिया था? द हैप्पीएस्ट नहीं था, उन्होंने पैराग्राफ दिया था, टॉपिक आपने चूज करना था कि आपका हैप्पी मोमेंट कौन सा था अपने पेरेंट्स के साथ। ये था द हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ। तो मैंने पता क्या लिखा, जो आपने दस्तारों की रही थी ना, मैंने वो लिखा था। वेरी गुड। क्या इसमें वेरी गुड हो गया? वेरी गुड की बात है अम्मा, पापा सच्ची ऐसी करते हैं। चलो 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 स्कूल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस, मेरी भी दिन की शुरुआत इन दोनों से पहले ही होती है, और ब्लॉग जब पू शुरू कर रहा था तो मुझे सुबह सुबह काम होता है, इसलिए मैं अपने काम वाम कर रही होती हूँ। गुड मॉर्निंग डुगू। गुड मॉर्निंग। जाओ, अब जा भी नहीं रहे हो? नहीं, मेरे को बोल रहे थे चलो अपना नोटबुक लेंगे। तो जप्पू ने मेरे को बोला, मम्मा मेरा वो वाला टॉपिक लिख के देना जिसपे मैंने ना दस्तार सजवाई थी। नहीं नहीं, नोटबुक ले जा, इतना शोर मचाते हैं ना दोनों सुबह सुबह। तो इसलिए मेरे को बोला, मामा मेरा वो वाला टॉपिक लिख के देना जिसमें मैंने दस्तार सजवाई थी, और मुझे वो मेरा डे बहुत ही हैप्पीएस्ट लगता है, तो इसलिए मैंने इसको वही टॉपिक लिख के दिया। फटाफट कर ले जल्दी, लेट हो गया है। तो इसलिए मैंने इसको वही वाला टॉपिक लिख के दिया, और मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ का कि मेरे बेटे का टर्बन की साइड बहुत ज्यादा ध्यान है। उसको टर्बन बांधना बहुत पसंद था, जब वो छोटा सा था ना तभी से ही टर्बन बांधा रहता था। गाइस, अभी मैं जब अभी टर्बन बांधते हैं ना, मैं छोटा हूँ तो मैं अभी पटका बांधना सीख रहा हूँ। हाँ, ये पहले अभी छोटे बच्चे पटका बांधते, जब बड़े हो जाते हैं तो टर्बन बांध लेते हैं, पर जब बाय बाय जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनकी दस्तारबंदी करवा देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों में ना बिना दस्तारबंदी के टर्बन नहीं सजाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि नहीं सजाते हैं। हमारे में एक ये एज अ बच्चों के लिए फंक्शन है, तो हमने जप्पू के लिए किया था दस्तारबंदी का फंक्शन हमने किया था उसके लिए, तो उस दिन वो इतना खुश था कि अब मैं पगड़ी बांध सकता हूँ आराम से, अब मुझे कोई रोके टोकेगा नहीं, तो इसलिए वो बहुत खुश था। तो वो कहता मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे था वो मम्मा। तो मुझे प्राउड है इस चीज़ का कि मेरा बेटा कि हम सीखे, और वो टर्बन सजाने में भी उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी वो चला गया है स्कूल, वो उसी पे उसने स्कूल में पैराग्राफ भी लिखना है, तो कंप्यूटर का उसका पेपर था, तैयारी उसको पूरी थी, तो चले गए हैं दोनों स्कूल। अब डुगू आएंगे, और कपड़े वपड़े मैंने सुबह धोए थे वो मैंने उठा लिए, सुबह सुबह उठ के मैंने ये काम किया, और बारिश
आज फिर सुबह शुरू हो गई थी पर हल्की फुल्की आई है, उतनी ज्यादा नहीं आई थी। साफ सफाई रह गई है मेरी, जब तक डुबोएंगे तब तक मैं फटाफट से साफ सफाई कर लेती हूँ। किचन क्लीन है पूरी। और ये देखो जब पूर डुगू घर से निकले ही हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई है। सामने वाली छत पे पानी पड़ा तो उसमें पता लग रहा है कि बारिश हो रही है। सो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं, टाइम हो चुका है अभी 7:59। पापा लेट हो गए, 59 हो गए, 57 हो गए, इसमें 59 हो गए। वहाँ घड़ी, वो घड़ी खराब है आपकी, कोई बात नहीं। सो अभी टाइम हो चुका है 57 या 59, जो भी टाइम हो गया। अभी अभी पापा लेट हो गए हम, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है। हाँ सर बारिश भी हो रही है, बारिश वैसे 8:05 तक हमारा स्कूल खुला रहता है पर आज तो बज गए हमारे घर से निकलते ही, तो देखते हैं अब गेट खुला रहेगा या नहीं रहेगा। आगे की स्टोरी देखने के लिए कंटिन्यू करें जपनूर व्लॉग्स को। सो गाइस प्रॉपर हम निकले थे पूरे 8 बजे, 8 हमारे घर से लेके स्कूल का रास्ता 10 मिनट का है। 10 मिनट का, 10 मिनट नहीं है, कितने का है? 2-3-4 मिनट लगते हैं। 2-3-4 मिनट नहीं लगते, बाइक पे 5 मिनट लगते हैं पूरे गिन के। तो 5 मिनट का रास्ता है लेकिन पापा ने आज दोबारा 5 मिनट में पहुंचा, गाड़ी पे हो गई, गाड़ी पे, बाइक पे 5 मिनट का रास्ता है ना, तो पापा ने गाड़ी पे 5 मिनट में पहुंचा दी है। टाइम देख लो 8:04 हो चुका है, जा फटाफट उठो बाय। इसका हाल फिर देख लो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मेरे से आगे जाने के चक्कर में है। तू आगे, तू जाके ऊपर दरवाजा खोलेगा है, जा तू खोल ले मेरे उत्ते, जा खोल, चल मेरे को निकलने दे, निकलने दे कर। तो अभी लेके आया हूँ दूध यहाँ पे पीछे पीछे, मेरे को बस ये डर लगता है कि पीछे से काट ना दे, और क्यों बोल रही है। अच्छा अभी आराम से बैठ गया आके, इसको पता भी आ रहा है अंदर से दूध। ओ हीरो, ओए हाँ जुज्जू, अंगा अंगा लेने, अंगा ये ले दे दो अली फटाफट, चला जाएगा इतनी देर में, उसके कौन सा नखरे कम है। तो 2 दिन से खाली दूध पी था, ब्रेड लेके आया था मैं, इसलिए ब्रेड साथ में दिया इसको, पी ले। सो गाइस अभी डुगू चले गए हैं और लंच लेके गए हैं, डुगू ब्रेकफास्ट नहीं करके गए, सिर्फ मिल्क पी के गए हैं। आज व्लॉग ही नहीं बनाया, हम लोग बातें करते रह गए, याद ही नहीं रहा। फिर एकदम से डुगू जाने लगे तो मैंने कहा हाँ व्लॉग तो बनाया नहीं, डुगू कहते कोई बात नहीं अब रात को मिलेंगे सबसे आके, तो वो आप लोगों से रात को मिलेंगे, दिन में हरलीन और जप्पू मिलेंगे आपको। तो मैं जा रही हूँ किचन में, पहले से ही चली गई थी किचन में वैसे मैं, फिर मैंने फ़ोन उठाया, मुझे लगी है बहुत जोर के वाली भूख। आपको पता मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ अभी, 2 दिन से शुरू करी है, होप सो कंटिन्यू रख पाऊँ। वैसे तो मैं पक्की हूँ अपनी बात पे, पक्की रहती हूँ मैं, अगर मैंने बोल दिया कि मैंने डाइटिंग करनी है तो फिर मैं डाइटिंग पे ही आ जाती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए सूजी वाले चीले, सूजी का चीला बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है सूजी, उसके अंदर कट करिए 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा सा प्याज और टेस्ट अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर डाला है नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो और थोड़ा सा धनिया हरा धनिया काट करके भी डाला है। तो ये इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, 10 मिनट के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए 2 सूजी के चीले और साथ में 1 ग्रीन कॉफ़ी का कप, ठीक है। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट लेके आके फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मेरी ग्रीन कॉफ़ी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड करती हूँ जो मैं पहले पीती थी रेगुलर में, अब दोबारा से मैंने वही चीज़ें स्टार्ट दोबारा कर दी हैं। और यहाँ पर मेरा चीला बन गया, आप देख रहे होगे प्रॉपर वाइट नहीं है क्योंकि ये सूजी का नहीं है, मेरे पहले चीले का ये हाल हुआ। देखो जो भी है ना वो मैं सच्ची बताती हूँ आप लोगों को, तो मेरे पहले चीले का ये हाल हुआ, सिर्फ सूजी का बनाया तो वो पूरा चिपक ही गया था तवे पे, पता नहीं लाख ट्राई के बाद भी मेरे से सूजी का चीला नहीं बनता। फिर मैंने उसके अंदर ऐड किया 1 से 1.5 चम्मच बेसन, तो उसके बाद ये मेरा इतना प्यारा सा एक चीला बना है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए ठंडा हो जाएगा तो फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मैं भूख लगी बड़ी तेज वाली। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच में आज कुछ भी नहीं है, जो बर्था था वो मैंने डुगू को दे दिया ब्रेकफास्ट लंच में। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ घिया चने की दाल, तो 1 कटोरी छोटी मैंने ली है दाल, साथ में 1 घिया कट किया है छोटे साइज का, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची अदरक और लहसुन बारीक बारीक कट कर लिया है, तो ये सब मैं बॉयल में ही डालने वाली हूँ। साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी 4 से 5 टमाटर। तो मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया है, दाल और घिया और टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल और पानी, ये सब कुछ डाल दिया मैंने दाल के अंदर। अब दाल रख रही हूँ बॉयल करने के लिए, सारे काम मैंने आज ही कर लेने हैं। ये मैं उस दिन मंडी से मंगल बाजार से वो लेके आई थी ना धनिया और पुदीना, तो उसको साफ कर रही हूँ चटनी बनाने के लिए, साथ साथ देख रही हूँ द पंजाब के व्लॉग्स।
तो अभी यहाँ पर धनिया पुदीना कर लिया मैंने साफ, दाल भी बॉयल हो गई है, बंद कर दिया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर सफाई करने और नहाने, क्योंकि जप्पू का टाइम हो रहा है। तो अभी नहा लिया है, रेडी भी हो गई हूँ, घर का सारा काम खत्म कर लिया है और दाल भी बन गई है। बस दाल को तड़का लगाना है और चटनी का सामान साफ कर दिया, बस चटनी बाद में बनाऊंगी। धनिया मेन साफ करने वाला था तो वो कर दिया। रिक्शे वाले भैया नीचे आ गए हैं, चलो चलते हैं जप्पू को स्कूल से लेने। और मैं सोच रही हूँ निशा के घर भी आऊंगी, उसके बेटे को देखाती हूँ एक बार जाके, काफी दिन से गई नहीं हूँ। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया। पेपर कैसा हुआ? बढ़िया। सब कुछ बढ़िया, पर तू बढ़िया नहीं है बिल्कुल भी। इतनी लेट क्यों आता है, अंदर क्यों रह जाता? सब बच्चे बाहर आ गए थे। तो फिर दोस्तों के साथ ही रह ले, कल से हम चले जाया करेंगे तेरे को छोड़ के। हाँ तेरे को हम कल से छोड़ के चल जाया करेंगे, तू रही हो अंदर ही। सो गाइस अभी घर पे आ गई हूँ, जप्पू बदल रहा है यहाँ पे अपने कपड़े। निकल दे, किथे चढ़ाई है? काले कच्छे वाला जप्पू तू। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा तेरा। हम क्या हुआ तो क्या हुआ, घर वाले हैं। सुबह इतनी नंगू पुंगू होके वीडियो बना के गया, इतना मोटा लग रहा है ना। इतना मोटा लग रहा है। सिक्स पैक नहीं, फैटी पैक है ये आपके भी, ये देखो। मैं तो फिर मेरे तो है ही है, मैं तो मोटी हूँ। मैं भी मोटी हूँ, मैं खुद बोलती हूँ मोटा कहीं का। तो अभी हम घर पे आ गए हैं, मैं निशा के घर पे गई थी, बस 10 मिनट ही बैठी मैं। उसका बेटा सही है अब, मतलब खा पी नहीं रहा ढंग से, आपको पता बच्चे के अंदर वैसे वीकनेस आ जाती है, चिड़चिड़ा सा हुआ हुआ था। तो मैं बस जाके देख के आ गई हूँ अब घर पे। अब मैं लगाऊंगी दाल को तड़का, जो मैं दाल बॉयल करके गई थी, और साथ ही बनाऊंगी रोटी। नहीं नहीं, मैंने घिया चने की दाल बनाई है। घिया चने की दाल खा लेगा तू? बैंगन का भरता खा लियो। बहुत अच्छी बात है, जो अन्न को ऐसे करता ना उसको कभी रोटी नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है। सो गाइस अभी यहाँ पर मेरा लंच आ चुका है, घिया चने की दाल साथ में रोटी। टाइम हो चुका है 2:50, ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले हैं। गाइस आधा घंटा हो गया मुझे मेरा प्लिक्स ड्रिंक पिए हुए, और अभी मैं करने लगी हूँ मेरा लंच, रोटी, घिया चने की दाल और साथ में खीरा। मुझे घिया चने की दाल बहुत यम्मी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है मेरे को तो। ये बच्चा 3 बजे से सो रहा है, तेरे को शर्म है जप्पू? 8 बज गए, 5 घंटे सोया है तू। ओ उठ जा भाई, अभी भी नहीं उठेगा? मैं जा रही हूँ पापा के साथ नीचे राउंड मारने। यहाँ पे मैंने अपना प्लिक्स बना लिया, पीने लगी हूँ जस्ट। ओई रो, मैं फिर जा रही हूँ अकेले, तूने नहीं जाना ठीक है। अब व्लॉग में अगर दिखा ना, चांटे वो पहने हैं। कान च की लग गया तेरे? कान में कुछ चिपक गया तेरे जब्बू? ये तेरे कान में कुछ चिपक गया? हाथ लगा ऊपर देख, उधर वाले कान में मुँह रख, उतर गया। उठ जा बेटे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जप्पू, गुड मॉर्निंग जप्पू, गुड मॉर्निंग जप्पू, गुड मॉर्निंग। तो टाइमली मैंने अपना प्लिक्स पी लिया है, और मैं इतनी बड़ी आलसन हूँ ना, सुबह से मैंने आप लोगों के सामने धनिया पुदीना साफ करके रखा है ना, पर मैंने चटनी नहीं बनाई। बहुत बड़ी आलसन हूँ मैं सच्ची में। यहाँ पर मैंने चटनी बनाने के लिए सामान कट किया है, गंद है ये तो। यहाँ पर मैंने अम्बी, अदरक और लहसुन छील लिया है, बाकी की चीजें मैं आगे छीलूंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ डुगू के साथ टमाटर लेने। मैंने सोचा था आज नहीं जाएंगे नीचे, पर टमाटर लाने वाले हैं इसलिए मैं जा रही हूँ डुगू के साथ टमाटर लेने। चले जा अपने फैशन देख लो मुंडे दे, वाल अंदर करके फिर जाए ने। चलो। हेलो गाइस, पानी पी लो, डायलॉग चेंज है हमारा। क्या हाल चाल? क्या यार, अब डेली तो नहीं हो रहा ना? क्या? और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हरलीन होगी इतनी पतली, बेचारे को अभी कपड़े जाके अल्ट्रेशन के लिए देखे आने पड़े। प्लिक्स पी किया करो, ड्रामे क्या। तो आप लोग भी गाइस प्लिक्स पियो, इतनी प्लिक्स पी लो कि नहीं कि आपके बच्चों के कपड़े आपको आने लग जाए। तो हरलीन इतनी पतली हो गई है बेचारे के कपड़े, अभी हम देखे आए नीचे, भैया भी देख के हैरान हो गए। भैया इतने वो था ना गाना, तेरी कमर का कमरा हो रहा है।
मम्मी का कमरा का कमरा से कमर हो गया, कमरा कमरा से कमरी होगी रे। आप ऐसा क्या करो ड्रामे, आप खुद ही रोटी बनाओगे खुद ही खाओगे, मैं भी नहीं बना के देने वाली, इतने पतला हो गया अम्मा। दोनों खुद ही रोटी खाओगे, मैं तो बनाऊंगी। हम कोई बात नहीं, हम बिजली शाम से चाय बना के खा लेंगे। चांपा मैं नहीं बनाऊंगी खाना, देख ला प्रो का नतीजा। सो कुछ इसी तरह ये दोनों मेरा मजाक उड़ाते हैं गाइज, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता था तो मैं ऐसी नहीं होती, ऐसी होती डंडे के जैसी। यार बड़ी परेशान हूँ सच्ची में, इतने मुश्किल से मैंने अपना वेट लूज किया था, फिर खा खा के बढ़ा लिया मैंने। और मुझे तो सच्ची में बताऊँ ना यार, कितना इतना भी कोई ओवर नहीं खाया। हाँ ये है कि बाहर का खा लेती थी, पर मुझे तो हवा भी लग जाती है यार, मैं बड़ी परेशान हूँ सच्ची में। क्या है सच्ची में, बड़ा दिमाग खराब होता है मेरा। पर चलो आते हैं किसी और बात पे। मैंने कल व्हाइट, कल ब्लैक चने बनाने रुको, बना लेना। तो कल बनेंगे ब्लैक चने। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने सबने अपने अपने तरीके से मेरे को बनाने सिखाए, ठीक है, कोई शर्म नहीं है। मैंने कभी नहीं बनाई तो मैंने बता दिया मैंने कभी नहीं बनाई, तो आप लोगों ने सजेस्ट किया, आपने अपने सजेशंस दिए कि जी ऐसे 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 बनाओ, तो मैं ट्राई करूँगी कल, तो बना के लेके जाऊँगी मैं गुरुद्वारे। हो निन्नी आ रही है बहुत तेज वाली। बाकी मैंने कुछ और भी कमेंट्स के रिप्लाई करने थे, मैं फोन खोलती हूँ फिर करूंगी, ठीक है। अभी तो मेरे को थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे प्यारे सजेशंस देने के लिए। निशा शर्मा ने मेरे से पूछा है कितना चार्ज किया आपने प्लिक्स का दी। मैंने 999 की 4 बॉटल्स मंगवाई है, पूरा सेट था 4 बॉटल्स का, 999 का ऑफर में आ रहा था, और आज और सस्ती थी, आज आ रही थी 700 की, 50% ऑफ था, नुकसान हो गया 300 रुपए का। जान तेरे विच जान दी। विशाल एस, आपके पास माइक्रोवेव भी है, पिज्जा बना के दिखाओ। हमको पिज्जा ही नहीं पसंद यार, हम तीनों में से किसी को भी पिज्जा नहीं पसंद। हम देर आप लोगों ने देखा हम बहुत रेयर केस में पिज्जा खाते हैं। तो जितने घर पे ड्रामे करेंगे ना उतने का तो बाहर से आ जाएगा। अच्छा भी नहीं लगता मेरे को, स्वाद ही नहीं लगता पिज्जा। स्टार रुद्र, हरलीन जी आपको आपके राशन में बस सिर्फ 2 किलो तेल लगता है महीने का, हमारे यहाँ तो 5 किलो तेल सरसों का और 5 किलो तेल रिफाइंड लगता। नहीं नहीं यार, 2 किलो ही लगता, वो भी मुझे लगता बच ही जाता होगा। 2 किलो सरसों का तेल और 2 रिफाइंड के पैकेट मैं लाती हूँ, मुझे लगता है 1 महीना से ऊपर ही चलते हैं। नोटिस करूंगी कितना चलते हैं, कभी नोटिस किया ही नहीं, पर इतना पता कि 1 महीना से ऊपर ही चलते हैं, तो इतना ज्यादा रिफाइंड और तेल भी नहीं हम खाते। 2 किलो ही लगता मुझे तो, लगता बस इससे ज्यादा नहीं लगता। अपने घर में किस बात का डर? अपने घर में मुझे अकेले रहने में डर लगता, मैं अकेली रहती नहीं, ऐसी मैं हूँ। राम लड्डू वाली रेसिपी के लिए लिंक देना जो आपने बनाए थे, दे दिए रुको, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको फर्क पड़ा तो हमें भी बताना। कृष्णा वासुदेव, बिल्कुल बताऊंगी, वैसे तो पड़ जाए तो वेल एंड गुड, ना पड़े तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छी ड्रिंक है, टेस्ट बहुत अच्छा है, पेप्सी के जैसा। डव शैम्पू यूज मत किया करो, हेयर डैमेज होते हैं, अभी इसमें और डैमेज होने लायक बचा ही क्या है, ऑलरेडी सारे के सारे खराब हो चुके हैं और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अविका पांडे का कमेंट पढ़ के मुझे पता लगा कि उसके अंदर 12 नहीं 15 टैबलेट्स हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि 12 टैबलेट्स हैं, मैंने देखा ही नहीं, अब देखा मैंने जब आपका कमेंट पढ़ा। हाँ तेरे तो सोना और कोई ना जी, बाकी सबके सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सबका बहुत सारा प्यार हमारे लिए, थैंक यू सो मच, ऐसे ही बहुत सारा प्यार करते रहो। मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही है, पर इससे पहले मुझे किचन में जाके चटनी पीसनी है, सब कुछ सामान रेडी है, सिर्फ पीसनी है चटनी, दिल नहीं हो रहा पर जाना तो पड़ेगा ही। डुबो खाना बनाओ, पीने के लिए बनाओ, बनाओ पीने के लिए बनाओ, जा रहे हैं हम किचन में, चने की दाल साथ में बनेगी रोटी, साथ में लोगों को कुछ पीने को भी चाहिए, देखते हैं क्या पियेंगे। मम्मी टाइम तो 11:08 हो चुका है, अब आप किचन में क्या कर रहे हो? असली बना रही हूँ चटनी, मैं बना रही हूँ गाइस चटनी, सुबह की चटनी बनाई नहीं, सुबह का मसाला काट के रखा हुआ है, बहुत बड़ी आलसन हो गई हूँ मैं। मैंने इसके अंदर डाली है 2 अम्बी इतने साइज की और 3 टमाटर इतने साइज के, एक बड़ा सा प्याज, 10-12 हरी मिर्ची, 4-5 कलियां लहसुन, छोटा सा टुकड़ा अदरक, बस अब इसको मैं पीसूंगी
पीसने के बाद जो मैंने धनिया पुदीना साफ किया था मैं उसको डालूंगी, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और बस चटनी पीस जाएगी। और उसके बाद हम कर देंगे वीडियो को एंड कर दे। पापा के लिए बनाएंगे दूध और पापा ने मैंगो भी रखवाए फ्रीजर में। मैंगो शेक बना लो। नहीं नहीं मैं ये वाले मैंगो का मैंगो शेक नहीं अच्छा बनता। सो ठीक है गाइस हमारी आज की वीडियो आज के व्लॉग बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ब्लैंको जी तो मना मिलते हैं अगली वीडियो अगले व्लॉग में। तो ना बाय बाय आप करंट बन लगवाना आप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग टाटा बाय बाय।